that is important. What is here in the physical properties of the metals? Like, as all of you know, the metals are malleable, ductile. Okay, they can convert it into thin sheets. Malleability is what? Converting the metals into the thin sheets, that is called the malleability. Second is ductility. Okay, on the basis of the malleability, aluminium jo hai, that is used for making the chapati wraps and all that. Ductility, that is converting into the thin wires, right? Example, copper, silver, these are very good matlab having the ductile in nature. Okay, on the basis of this, we are using the electrical switches and the wires are made for this purpose. Then the third is metals have the high melting and the boiling point. Okay, exceptions are there. There is exception, like one as it's given in your NCERT, cesium and gallium, both. Because sodium and magnesium, these are having the low low boiling point. But metals, although all metals have high boiling point, right? Except sodium, magnesium, to wo hai. But unke ilawa, two other metals are there, which when you will keep it on your palm, it melts. It starts melting. That is gallium and cesium. Note it down. जो पॉइंट बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको देखो बट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर. एक्सेप्शंस, वन वर्ड यू हैव टू राइट, ओनली दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस विल कम, राइट? सो राइट डाउन गैलियम एंड सीजियम. एक्सेप्शन ही लिख लो, जो एक्सेप्शन बोल रही हूँ. अच्छा, गैलियम एंड सीजियम, इट्स देयर ऑन द बुक, थर्ड और फोर्थ पेज पे, सबसे ऊपर वाली लाइन. Gallium and cesium starts melting when you are keeping it on your palm. Means it needs our body temperature. हमारी body temperature पे ही ये melt हो जाता है, right बेटे? उसके बाद है हमारे पास metals are क्या कहते हैं, solid. हाँ जी, sonorous. ठीक है, on the basis of the sonority property होगी तो ity word we will use, like malleability, ductility, sonority. Right? Otherwise, malleable, ductile, sonorous. Right? So metals are sonorous, that they can produce sound. Okay? On the basis of this property, school bells, violin, and all the instruments, these are based on all the strings lagi hoti hai guitar mein. That is of metals, because metals are sonorous. Clear? Lustrous, due to the basis of, jaise main assertion reason mein, I asked number of times, ki gold is used to make jewelry. ठीक है, दिस इज असर्शन. व्हाट इज द रीजन? अगर मैं रीजन में लिख रही हूँ गोल्ड इज अ मेटल, बोथ आर करेक्ट, बट दैट इज नॉट द करेक्ट. बट व्हेन देयर इज रिटन गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, अनदर रीजन उसका गिवन है, बिकॉज इट्स अ लस्ट्रस इन नेचर, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. क्लियर? फिर है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट लेड. लेड इज अ बैड कंडक्टर. ठीक है, हाँ जी, वो एलॉयज में चले जाते हैं. ठीक है, लेड है इसमें. लेड वर्ड मैं याद रखना, आपने लिख लो, लेड इज अ पुअर कंडक्टर. ठीक है बच्चे, हम इस नीचे की तरफ आ रहे हैं, है मरकरी भी आ जाता है, लेड और मरकरी दोनों आ जाते हैं, मरकरी भी आ जाता है. अच्छा, उसके बाद अब यहीं पे दूसरी एक्सेप्शन देख लो. मेटल्स आर गुड कंडक्टर एक्सेप्ट लेड, जो कि मेटल है. वेयर इज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ, बट एक्सेप्शन इज देयर, विच वन? ग्रेफाइट. कार्बन की जो एलोट्रॉप है, आयोडीन इज अ लस्ट्रस पुत्र. ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाता है हमारे? देखो, मेटल में लेड है, नॉन मेटल में विच इज अ गुड कंडक्टर, दैट इज ग्रेफाइट. दैट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ये एक पॉइंट लिख लो, बिकॉज एलोट्रॉप अगले चैप्टर में है, बट इन क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, तो आपको पता होना चाहिए. लिख लो, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट के साथ ब्रैकेट में लिख लो नॉन मेटल, गुड कंडक्टर विच इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, विच इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. अब एलोट्रॉप क्या होते हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रही हूं, ध्यान से सुनना. वन फादर हैज टू चिल्ड्रन, क्या नजर आ रहा है आपको मेरे ये लाइन बोलने से? वन फादर हैज टू चिल्ड्रन, व्हाट डज इट मीन? एक ब्रदर सिस्टर है, दोनों भाई हैं, व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज कॉमन इन चिल्ड्रन? फादर
फादर मतलब डीएनए वी आर सेइंग दैट इज द केमिकली कंपोजिशन, फिजिकली वी आर मतलब नो वन इज रिजेम्बलिंग, है ना. इन द सेम वे एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन इज फादर टू चिल्ड्रन डायमंड एंड ग्रेफाइट. देखने में दोनों टोटली डिफरेंट पर बने किससे हैं, कार्बन. ठीक है, क्लियर. दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म. फिर उसके बाद लस्ट्रस थे, मेटल्स आर लस्ट्रस, सभी में चमक होती है. ठीक है, और दूसरा कौन सा है, नॉन मेटल्स में सारे जो होते डल होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन इज अ लस्ट्रस. ठीक है, फिर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी. ठीक है, और कौन सी एक्सेप्शन है, बीच मेटल्स कैन बी कट इजिली विद द नाइफ, सोडियम एंड पोटेशियम. दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन द केरोसिन. व्हाई इट इज केप्ट और इमर्ज इन केरोसिन, एक ही लाइन याद रखनी है, टू कट ऑफ द एयर सप्लाई. टू कट ऑफ एयर सप्लाई, इतनी लंबी लंबी लाइनों को नहीं, हम क्यों रख रहे हैं, बिकॉज ऑयल और एयर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होगा, टू कट ऑफ द एयर सप्लाई. क्लियर. एनए नहीं फ्लोट करता, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मैं करवाती हूँ. अरे वो टिकता ही नहीं है, सोडियम नहीं होगा, मर्करी होगा. साउंड, फिजिंग साउंड. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज. इससे पहले मैं कुछ भी शुरू करवाऊं, एक चीज याद रख लेनी है आप लोगों ने, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. क्या करी थी हमने, आती है राइम आती है. ओके, आपने किसी और तरह करी है, इट्स ओके, एज यू मतलब वॉन्ट टू लर्न, दैट इज मेरी और है. ठीक है, कैलोरी नहीं, कैल्शियम मांगे, ऑल टाइम जिंक के फैन बन जाओ, सोनी पंजाबन हुंदी क्यूट, हाय जी ए जी. ऐसे मैं यहां कुछ और बोलती बाद में बताती. कैलरी नहीं, कैल्शियम मांगे, ऑल टाइम जिंक के फैन बन जाओ, सोनी पंजाबन हुंदी क्यूट, हाय जी ए जी आओ पटियाला. ठीक है, व्यू दे रही हूँ. ये वाले जितने भी है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव है. इनकी ना रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, ना वॉटर के साथ है, ना एसिड किसी के साथ ओवर रिएक्शन नहीं है. एज आपने गोल्ड की बैंगल चेन सिल्वर कुछ भी पहना है तो उसकी गर्म पानी से रिएक्शन नहीं, हमने इयर रिंग्स पहने हैं कुछ पहना उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं. सो दीज विल नॉट शो रिएक्शन बिकॉज ये लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, ये वाले जो स्पेशली ऊपर वाले दो हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव, इनकी रिएक्शन हर किसी के साथ ही विग्रेसली है. उसके बाद ये बीच वाले जिंक तक जो है, दीज आर द मिडल रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव. ठीक है, इनकी रिएक्शन गरम ठंडे किसी से हो जाती है. ये वाली जो चीजें हैं ये स्टीम के साथ, अब हम इनको आई विल टेल यू साइड बाय साइड, हमें सभी को ध्यान से लर्न कर लेना. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद एयर, राइट, विद एयर मींस ऑक्सीजन. अब इसमें मैं ना सिंपली लिख रही हूं, चलो आपको पहले वैसे ही लिख देती हूं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, राइट, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है, अब ये जो इसमें मैटर है, ये दोनों, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, मैं इकट्ठा लिख रही हूं, आप भी चाहे इकट्ठा लिखो सो दैट आपको याद रहे हम कर क्या रहे, किस किस को किसने कैटेगराइज करना. Both with the oxygen to form their oxide. एक बन जाएगा पोटेशियम K2O Na. ठीक है, अब ये दोनों ही ऑक्साइड जो
है दीज आर वॉटर सोल्यूबल राइट दीज टू फॉर्म KOH अभी आप भी ऐसे ही इसको लिख लो आपको क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन घुमा के आ जाए विच हाइड्रोक्साइड इज वाटर सोल्यूबल एल्कलीज ये दो ठीक है मैं साथ साथ में एक वो छोटी फॉर्म में करवा रही हूं सो दैट इजीली आपको पता लग जाए मेटल ऑक्साइड बनता ठीक है अब ये दो मेटल हो गए अब आएंगे हम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पे कैल्शियम भी जो है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है लिख लो कैल्शियम वाली छोड़ दो चाहे मैग्नीशियम लिखो जरा एक मिनट मैग्नीशियम प्लस ये रब कर दो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो ठीक है अब जब इसका वाटर के साथ बनता है वो पार्शली डिसॉल्व होता है फुल्ली डिसॉल्व अगर आपको पूछा जाए द मेटल्स विच आर सोल्यूबल इन लाइक हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास कौन से हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड राइट अब इसका जो सोल्यूबल बनता है मतलब हाइड्रोक्साइड बनता है दैट इज पार्शली डिसॉल्व दोनों अगर आपको क्वेश्चन में मैं तभी बोल रही हूँ मैंने आपको क्वेश्चन शायद रिपीट भी करा था कि द वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है विच इज हैविंग अ 40 एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास तो वो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है अभी आपने एक्चुअली पीरियोडिक टेबल नहीं ना करा फाइनल तक आपको ये भी पता लग जाता है कि कौन सा पहले ग्रुप में कौन सा कहाँ है ठीक है वो क्वेश्चन में ऐसे आता है कि इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप ठीक है हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 40 एंड डिसॉल्व इन वाटर तो मैंने आपको वैसे डिसॉल्व कौन सा बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये पार्शली डिसॉल्व है आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ दूसरा हिंट क्या तभी तो बोल रही हूँ ना अगर हिंट होगा 40 तो 40 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना 23 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम ऑक्सीजन 16 1 हो गया हाइड्रोजन 23 एंड 17 40 ये देखना पड़ेगा हमें तभी मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि क्वेश्चन आए हमने कंफ्यूज नहीं होना हमारा उसी टाइम पे दिमाग साथ में चलना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू सी ठीक है तभी मैंने बोला कि दो आपके पास आपने उतना फिर सर्च ही नहीं करने बैठना ना नहीं नाइन्थ में आपने करे है ना मॉलिकुलर मास अरे कुछ नहीं है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो इवन नंबर पे है उसका हमेशा डबल होता है और जो ओड नंबर पे है उसमें हमेशा प्लस वन होता है डबल में एक्सेप्ट नाइट्रोजन जो 14 रहता है ठीक है 17 क्लोरीन 35.5 और 19 आर्गन 40 वन का वन बस यही एक्सेप्शन ठीक है हो जाता है धीरे धीरे कोई इश्यू नहीं है आगे लिखो अब आगे हम मैग्नीशियम तक हमारी ये रिएक्शंस हो गए एल्यूमिनियम एंड जिंक इन दोनों को कर लो यहां पे अपने पास हिंट भी रख लो चाहे एल्यूमिनियम एंड जिंक ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिनको हमें स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ता है मैंने भी हिंट ही लिखे हैं स्ट्रॉन्गली हीटिंग एमजी के नीचे आ गया ना एल्यूमिनियम एंड जिंक एमजी को हीट करना पड़ता है लेकिन उतना नहीं इनको बहुत स्ट्रॉन्गली अब जब इनको हमने एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन It will form Al2O3, aluminium oxide. Zinc plus oxygen, ZnO. यहां लिख लो strongly heat. अपने पास hint साथ में लिखो. Right? Strongly heat करना पड़ता है. इधर ही रखती हूँ. मैं भी एक बार भूल ना जाऊं. ठीक है? अब ये दो एक यहां पे इसके साथ एक और वर्ड लिख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एम्फो एम्फिबियंस
एम्फीबियंस क्या होते हैं? बोथ लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर. एम्फो मींस बोथ रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज द बेसिस. इनके ऑक्साइड्स एसिड, ये दोनों जो ऑक्साइड हैं Al, इट कैन शो द रिएक्शन विद HCl. इट कैन शो द रिएक्शन विद बेस. इट विल फॉर्म AlCl3. इट विल फॉर्म Na. सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2. कहां पे बच्चे? सोडियम एल्यूमिनेट. आपको क्वेश्चन में दो आपको ऑप्शन आ सकती है. राइट डाउन द टू ऑक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर. चार गिवन होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई. वन इज एल्यूमिनियम एंड सेकेंड इज जिंक. केमिस्ट्री के लिए ठीक है, बायो के लिए नहीं. वो बुक ये नहीं, ये बेटर नहीं. नो नीड टू रन या सी डिफरेंट बुक. इज इट क्लियर बेटे? नाइन्थ में नहीं चाहिए थी, टेंथ में चाहिए. नाइन्थ में यू मतलब नो नीड टू टेक एनीथिंग. दैट इज ओनली द सफिशियंट एनसीईआर. हाँ नहीं, करवा देना, करवा लेना. मैंने करवा देने. आई विल टेल यू ऑल द एमसीक्यूज. आई एम डूइंग इट. आई एम मेकिंग द सेशन रीजन फॉर ऑल द चैप्टर्स एंड आई विल डेफिनेटली गिव. आई टोल्ड यू नो नीड टू परचेज एनी बुक. आई एम हैविंग ऑल द बुक. आप करने वाले बनो. आई विल सेंड ऑल दीज थिंग्स. जरूरत ही नहीं. बट इफ द क्वेश्चंस विल कम इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यू, दैट मींस यू हैव टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स इन अ माइन्यूट वे. नो थ्रेटिकल, नो सब्जेक्टिव. सो दैट आई विल गिव. आप करने वाले बनो. आई विल सेंड ऑल द वर्कशीट्स टू यू. आई एम हैविंग ऑल द बुक. सो नो नीड कि आप एक सैंपल पेपर ले रहे हो, आप एक ले रहे हो. नो नीड. आई विल सेंड. जस्ट गिव द मैसेज या राइट द मैसेज ओवर देयर इन द ग्रुप. आई विल सेंड. ठीक है, हो गया जी ये. अब आ जाओ आयरन. ठीक है, अब ये वाले जो हैं ऑन हीटिंग, आयरन जो हीटिंग करने पे बहुत ज्यादा इसकी हीटिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं होता. अदरवाइज इट विल फॉर्म देयर Fe3O4 या Fe2O3. ये 2 और 3 दोनों बना देता है. इज इट क्लियर? उसके बाद जो नीचे वाले हैं वो रिएक्ट नहीं करते. प्रोलॉन्ग हीटिंग अगर हम किसी की करें तो वहां पे उसकी रिएक्शन हो जाती है. जब हम बहुत देर तक कॉपर को हीट करते रहेंगे देन इट विल फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड. Is it clear? एक रिएक्शन क्लियर है, ऑक्सीजन की क्लियर है. नीचे वाले लीस्ट एक्टिव है, दे विल नॉट शो रिएक्शन. कॉपर ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग. एंड ये वाले जो है मतलब स्ट्रॉन्ग से भी थोड़ी ज्यादा ही करनी पड़ेगी. क्लियर है? नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वॉटर. अब वॉटर में भी यही चीजें याद है. हाँ ना, तभी तो आपको साथ साथ में बता रही हूं ना. रिएक्शन विद वॉटर. अब सोडियम पोटाशियम, वैसे इसमें से सोडियम ऊपर आता है क्योंकि सोडियम इज विग्रेसली रिएक्ट विद द कोल्ड वॉटर, है ना. तो सोडियम एंड पोटाशियम बोथ रिएक्ट विद वॉटर. अच्छा यहां पे ना, सॉरी एक लाइन लिख लो. Thank you.
ये लिख, अब मैं इसी के साथ कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि जहां पे भी अभी ये देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, जैसे भी पानी है इट विल शो द रिएक्शन, विग्रेसली रिएक्ट, ठीक है, एंड एक्सप्लोड कर जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन जो एनर्जी निकलती है दैट वाई एक्सप्लोडेड, वाई दिस इज द एक्सप्लोजन, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर और एक्सप्लोडेड होता है, उसका रीजन क्या है? जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या निकलना है? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन इसकी हीट जो निकलती है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जो हीट निकलती है वो हाइड्रोजन को बर्न कर देती है, दैट्स व्हाई इट एक्सप्लोड। क्लियर? सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, इज इट क्लियर? अब आ जा करूं आगे लिख लेंगे। ओके, हाँ हाँ बस वो रिएक्शन एक बार बता रहे। अब आ जाओ नीचे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों भी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, राइट? कैल्शियम भी करता है पानी के साथ, मैग्नीशियम भी करता है पानी के साथ, लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव नहीं है, ये विग्रेसली रिएक्ट नहीं है। क्यों? क्यों? एक तो रीजन हो गया लेस रिएक्टिव, तो फिर इसमें हाइड्रोजन जाती कहां है? घर में कभी देखा है कि पेंट करने आते हैं वो, या ये पुट्टी करनी हो तो वो देखा ऊपर कभी बबल्स बने होते हैं, है ना? व्हाई? दैट इज द हाइड्रोजन। वहां पे क्या हुआ? कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव, कैल्शियम लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम रिएक्ट करता है ठंडे पानी के साथ, जैसे ही वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो उसका फीचर है, बट वो हाइड्रोजन गैस हीट नहीं लेती क्योंकि कैल्शियम लेस रिएक्टिव है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, जितनी हाइड्रोजन गैस निकलती है वो ऊपर जाके पार्टिकल्स के साथ चिपक जाती है, एंड इट हेल्प्स टू कैल्शियम फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर। दो हैं मेटल्स विच फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर, वन इज कैल्शियम, अदर इज मैग्नीशियम। पहले मेनली हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लेकिन उसके लिए पानी ठंडा नहीं होता, ठीक है? लिखो ये रिएक्शन, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ ही बताया ना मैंने, तभी दो दो का पेयर करके बता रही हूँ, तभी दो दो का करके, ये ना वो पेपर में भी ऐसे लिख दो, राइट डाउन द टू डिफरेंट रिएक्शन, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब स्टीम और कोल्ड वाटर के साथ ही, अभी कोल्ड वाटर के साथ ही चल रही है, कैल्शियम प्लस वाटर कोल्ड and it will form calcium hydroxide plus hydrogen, यहां लिख लो भी, फिर हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वॉटर, कौन सा? स्टीम, ये कोल्ड के साथ नहीं करता, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या आप ऐसे लिख सकते हो मैग्नीशियम अगर ठंडे पानी के साथ, तो इसकी रिएक्शन है ही नहीं है, मैग्नीशियम विद वाटर और स्टीम के साथ, दोनों के साथ जब ये वाटर के साथ करता है तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तब ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब व्हेन इट रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है, देन इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। मैंने पहले लिखा था कि जब स्टीम के साथ है तब ये रिएक्ट बनाएगा ऑक्साइड, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे लिख के कर लो, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ समझ आ गया जी क्यों फ्लोट करते, ये भी क्लियर हो गया। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है दैट स्टिक टू द पार्टिकल्स, ठीक है, एंड वो जो है कैल्शियम के साथ स्टिक करके ऊपर उसको हेल्प करती है फ्लोट करने, ठीक है? क्यों नहीं हाइड्रोजन रिलीज होती? बिकॉज द लेस एनर्जी इज रिलीज,
एक्सोथर्मिक कम है, लेस एनर्जी इज रिलीज विच इज नॉट सफिशियंट टू बर्न द हाइड्रोजन एंड दैट्स व्हाई इट इज विग्रसली, इट विल नॉट रिएक्ट विग्रसली. ठीक है, उसके बाद आओ. अब ये तीन चार एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सॉरी एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, टिन भी आ जाता है इसके बीच में. इन सम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मैंगनीज वर्ड भी होता है, कहीं कहीं आप पढ़ोगे Mn भी बीच में होता है. ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं, दे विल शो द रिएक्शन विद द स्टीम ओनली. यहां तक याद रहेगा? ठीक है, व्हेन वी विल डू द एमसीक्यू और रिवीजन ना, एट दैट टाइम आई विल अगेन ट्राई टू रिवाइज. क्या बोला मैंने, यहां लिख लो एल्यूमिनियम जिंक आयरन मैंगनीज स्टीम, दे विल शो रिएक्ट विद द स्टीम. नहीं, तीन नहीं आता. इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, आई एम जस्ट ट्राई टू टेल यू कि होता क्या है. बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए, इट्स गिवन इन योर बुक. मैं सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड. राइट, यहां पे स्टैंड लगा लेना भैया, फिर मत कहना मैडम ऐसे. अब पता नहीं होता यार आप लोगों का कहां पे बस हवा में कैसे लटकाएगा है. यहाँ पे ग्लास वूल रखते हैं, ग्लास वूल जो घर में बर्तन साफ करने के लिए भी हम यूज करते हैं, हाँ स्टील वूल की तरह, लेकिन वो पूरी तरह वो नहीं होती, ग्लास वूल होती है जो कि पानी अब्सॉर्ब कर लेती है. ये पानी अब्सॉर्ब कर लेती है. ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी मेटल रख सकते हो, इनमें से कोई भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज में से कोई. जब हम इसको हीट करते हैं यहां से स्टीम निकलेगी क्योंकि पानी है. ठीक है, पानी जो है यहां से इवेपोरेट होगा, वो इसके साथ स्टीम जो है रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में आपको नजर आए. ठीक है, वी कैन आस्क यू बाय शोइंग द पिक कि विच इज शोइंग या नेम द मेटल्स व्हाट इज प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है, तो वी कैन आस्क यू. ये चारों ऐसे मेटल्स हैं, दे विल शो द रिएक्शन विद द स्टीम ओनली. हम ग्लास वूल में पानी मतलब उसको वेट करके रखते हैं, कॉटन की तरह समझ लो, दैट इज कीपिंग हियर गीली है, हीटिंग शुरू की, ट्यूब के साथ गर्म हुआ, पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर स्टीम निकलेगी, स्टीम विल रिएक्ट द रिएक्शन, show the reaction with this and they will hydrogen gas will be released and it will be collected. So we can ask you ki which gas is released. Hum aise pooch sakte hain, experiment dikha ke pooch sakte hain, what is showing in this, name the metals, but we can take and this is the downward displacement of the hydrogen kyunki hum niche ki taraf karke collect karte hain, so that's why ye hamare paas ho gaya ji. Theek hai, niche wale jitne bhi hain they will not show reaction with the water, koi reaction nahi hai. ठीक है, गोल्ड सिल्वर हमारी कॉपर ये पानी के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते. अगली देखिए, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स. बस ये एक छोटा सा ही करवा के बस करने लगी हूँ, आई नो ज्यादा हो गया, मैं दोबारा ले लूंगी पीरियड. वी विल कंटिन्यू दिस थिंग.